Welcome to the club. कैसे हो आप लोग? आप लोग भविष्यवक्ता की तरह पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अभिभावकों ने ईमेल किया है, हम लोगों को फोन भी किया, हमने पता लगाया आपके बारे में। आपके जाने बिना हमने फोन करके पता लगाया। जोयला कैसे प्रार्थना कर रही है, सारा कैसे प्रार्थना कर रही है, इस तरह से हम कुछ अभिभावकों को जानते थे। हमने उनसे पूछा आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं, आपने दर्शन देखा या नहीं, ऐसा हमने पूछा। बस इतना ही नहीं तो भविष्यवक्ता आप लोगों का दर्शन देखना, भविष्यवाणी करना ही काफी नहीं है, आप लोगों का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने दोस्तों से प्रेम करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, है ना? तभी यशवा पिता जो हैं क्या करेंगे, आप लोगों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है? तो अब से यशवा पिता की तरह प्रेम के साथ आप लोग जिएंगे, आप सभी लोग, ठीक है? भविष्यवक्ता आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने बताई है ना, आज भी कुछ बताने वाली हूँ, वो बहुत ही ज्यादा रोचक है। पता है कैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना करते समय हम सभी लोग दर्शन देखा करते हैं, उससे भी ऊपर एक स्तर है, वो क्या है पता है आपको? आत्मा में होना। आत्मा में होना का मतलब क्या है? हमारी आत्मा है ना, वो प्रार्थना करते समय ऐसे ऊपर स्वर्ग लोक में चली जाती है। स्वर्ग लोक में जाकर प्रभु कैसे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, यशवा पिता सिंहासन पर बैठते हैं, स्वर्ग लोक की महिमा क्या है, ये सब कुछ यशवा पिता क्या करते हैं, आपसे उजागर करते हैं। तो ये अनुभव रोमांचक होता है ना? क्या कहा? देखो बहुत लोग हाँ हाँ सिर हिला रहे हैं। तो इस अनुभव की आपको जरूरत है ना, तो इसके बारे में एक शो देखते हैं। वो आप लोगों का पसंदीदा शो है। कौन सा शो है? यस, आपका अपना पपेट शो। मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं गिर गई थी क्या? मेरे नाक में भी इतना दर्द हो रहा है, पर मेरे शरीर पे तो एक भी चोट नहीं है। हाँ, क्या मैं कल कहीं खेलने गई थी क्या? नहीं, फिर मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों है और मैं इतनी थकी हुई हूँ? पर मैं रात को तो अच्छे से सोई। मुझे याद आया, कल रात को मैंने किसी से लड़ाई की थी। पर किससे? मैंने कल रात को बहुत देर उससे लड़ाई की थी, वो जरूर शैतान होगा। पर वो दिखाई कैसा देता है? ऐसा लगता है जैसे मैंने ये लड़ाई पहले भी देखी है कहीं। याद आया मुझे, उन लोगों ने क्लब के दौरान हमें वो वीडियो दिखाया था और ऐसा लगता है कि मैंने उसे फाइनल बैटल वाली वीडियो में देखा था। इसका मतलब क्या सच में शैतान यहाँ आकर मुझसे लड़ने वाला है? क्या सच में लड़ने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात को उससे लड़ाई करने के बाद मैं बच गई और मैं बहुत थक गई हूँ। पर अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे
भी सपना आया है और मैं बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही हूँ। अगर ये लड़ाई सच में हो गई तो मैं क्या करूँगी? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पर उस सपने में मैंने ऐसा देखा कि जैसे कोई आया और उसने मेरी मदद की। मुझे लगता है कि शायद वो स्वर्गदूत होंगे। हाँ हाँ, वो स्वर्गदूत ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। तो क्या किया स्वर्गदूतों ने? वो आए और मुझे कहीं ले गए। और उसके बाद हाँ, कोई आया जिसने आके शैतान को मार दिया। वो कौन था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी? हाँ, बेटी? कौन हो आप? आपने मुझे वैसे बेटी बुलाया जैसे मेरे पापा बुलाते हैं। मुझे प्रभु ने भेजा है। प्रभु ने आपको भेजा है? पर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं तुम्हारे सपने का अर्थ समझाने आया हूँ बेटी। मेरा सपना? इसका मतलब आप बाहर खड़े रहके वो सब सुन रहे थे जो मैं अपने आप से बोल रही थी? प्रभु ने तुम्हारा एक विशेष भविष्यवक्ता की तरह अभिषेक किया है जिससे तुम प्रभु के लिए युद्ध क्षेत्र में खड़ी रहोगी। युद्ध क्षेत्र? युद्ध क्षेत्र? उसका क्या मतलब हुआ? शैतान और प्रभु के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसमें प्रभु तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों का उपयोग करने वाले हैं। छोटे बच्चे? मैंने शैतान को अपने सपने में देखा कल रात को। वो बहुत बड़ा और विशाल था। इतना बड़ा कि मैं तो सिर्फ उसके पैरों तक ही आ रही थी। बहुत डरावना था। हाँ, वो देखने में बहुत ही डरावना लगता है, पर वो तुम पे विजय नहीं पा सकता, बल्कि तुम उस पे विजय पाओगी। हाँ, सच्ची? उसका मतलब ये है कि आपको कैसे पता कि मैं उसे हरा दूंगी? हाँ हाँ, और आपको ये बात का इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि तुम्हारे अंदर इन अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता का अभिषेक है। जब तुम शैतान से युद्ध करने जाओगी तो तुम्हें प्रभु के शस्त्र अपने आप ही मिल जाएंगे और फिर तुम शैतान के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को नष्ट कर दोगी। प्रभु के शस्त्र? हाँ, पिछली बार उन्होंने इस चीज के बारे में हमें नन्हे सितारे शिविर में सिखाया था। हाँ, और आप सभी शस्त्र मुझे देने वाले हो? अभी बोलिए ना। मैं तुम्हें वो शस्त्र नहीं दूंगा, प्रभु तुम्हें वो सभी शस्त्र देंगे। जब तुम पूरे मन से प्रभु की आराधना करोगी, पूरे मन से उन्हें ढूंढोगी, तो तुम्हारी आत्मा प्रभु के शस्त्रों को ग्रहण कर लेगी। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे प्रभु के साथ खड़े रहेंगे और प्रभु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो क्या मैं शैतान का विनाश करने वाली हूँ? हाँ मेरी बच्ची। मुझे कभी डर नहीं लगेगा। हाँ, मुझ में बहुत साहस आ गया है। हाँ, कितनी अच्छी बात है। पर आपको ये सब कैसे पता है? प्रभु स्वर्ग लोक से तुम सभी को हमेशा देखते रहते हैं। तुम्हारी हर एक जरूरतों के बारे में उन्हें पता होता है। तुम्हें आज जो भी जरूरत होगी वो प्रभु तुम्हें देंगे। तुम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सको इसका अधिकार स्वर्ग लोक से प्रभु के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो चुका है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मेरे सपने में ही नहीं, पर अगर शैतान मेरे सामने आ गया तो मैं प्रभु के शस्त्रों से उसका विनाश कर दूंगी। वो शस्त्र जो प्रभु यीशुआ ने मुझे दिए हैं। हाँ, बस इतना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है, तुम बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के युद्ध में भाग लोगी। भविष्यवक्ताओं का युद्ध? हाँ, वो कुछ अलग लगता है ना? हाँ, जब तुम बाइबल के वचन पढ़ोगी तो तुमसे और भी ज्यादा रहस्य उजागर होंगे। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता लोग हैं उन सभी ने शैतान से युद्ध करके उन्हें पराजित किया। तो इसका मतलब मैं जब यीशु पिता की प्रार्थना करूंगी, बाइबल के वचनों को पढ़कर उनका ध्यान करूंगी, तो यीशु पिता मुझे भी उजागर करेंगे? हाँ, तुम गवाही के वचनों के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा शैतानों पर विजय प्राप्त करोगी। क्या? मेरी गवाही का वचन? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ,
छोटी बच्ची, तुमने प्रभु से भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है। तुम प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और आज्ञाकारी जीवन जियो, और स्कूल में जिस तरह तुम अपने दोस्तों से व्यवहार करती हो वो पवित्र होना चाहिए, प्रभु उससे प्रसन्न होने चाहिए। इस तरह की गवाही से और पवित्रता भरे जीवन से शैतान पराजित होगा। तो गवाही के वचन शैतान पे विजय पाने के लिए बहुत ही जरूरी है ना, है ना? हाँ, और इसी के साथ मेमने का लहू शैतान पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देगा। ओ, इसके बारे में मुझे मेरी आंटी ने पहले ही बता दिया था। ओ, अच्छा, इसका मतलब ये है? हाँ, भविष्यवक्ताओं को शैतान रोकता है, यही उनका कार्य है। तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में रहकर उसे पराजित करने की शक्ति प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है। तो इसके बाद मैं यीशु पिता की उपस्थिति में बहुत देर उनका इंतजार करूंगी। चाहे कोई भी परेशानी आए, मैं उन सबका सामना करूंगी। हाँ, चाहे शैतान मेरे सामने कैसे भी तरीके से लड़ने आए, तो मैं यीशु पिता के लहू और गवाही के वचनों से उस शैतान पे विजय पाऊंगी। हाँ हाँ, जिस तरह से एलिया भविष्यवक्ता ईजाबेल को देखकर डर गए थे, उसी तरह से इन अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं को डरना नहीं है। ईजाबेल की आत्मा पर और दूसरे कार्यों पर विजय प्राप्त करने का साहस तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। हाँ, मैं जरूर विजय पाऊंगी और मैं बहादुर बनूंगी, और जितनी भी शैतानी आत्मा मुझे लड़ने आए, मैं उन पे विजय पाऊंगी। हाँ प्यारी बच्ची, प्रभु तुम्हें अपनी शक्ति देंगे, प्रभु तुम्हें अपना साहस भी देंगे, और तुम्हें अपने शस्त्र प्रदान करके अपने लहू से तुम्हें ढक लेंगे। कहाँ चले गए ये? यहाँ से चले गए वो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। सिर्फ सपने में ही नहीं, शैतान अगर तू मेरे सामने भी आ गया ना, तो मैं यीशु पिता के लहू से तुझ पर विजय पाऊंगी और मेरे गवाही के वचनों से तुझे हरा दूंगी। हाँ, मजा आ गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, मम्मी कहाँ है? बहुत देर से वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा सारा, जोयला, कैसी हो तुम दोनों? ठीक है दीदी। ठीक है, बढ़िया। दोनों अच्छे से प्रार्थना कर रही हो? अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं दीदी। बाइबल पढ़ती हो ना? पढ़ते हैं दीदी। ध्यान करती हो? हाँ, हाँ, करते हैं दीदी। अच्छी बात है। तो किसने यशवा पिता से दर्शन प्राप्त किया है? मैंने प्राप्त किया है दीदी। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत खुशी हुई मुझे। तो आज हम लोग भविष्यवक्ता के कार्य के बारे में और अभिषेक की गहराई के बारे में हम सभी जानेंगे, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 10 हम पढ़ें। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, ऐसा इस वचन में कहा गया है ना? तो यहाँ पर योहन्ना, जानती हो ना योहन्ना भविष्यवक्ता, यशवा पिता के शिष्य थे, उनके शिष्यों में से एक थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु के दिन पर वो प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो ये जो मैं बता रही हूँ पहला बिंदु है। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय वो आत्मा में थे। तो आत्मा में थे मतलब? इसका मतलब प्रभु यशवा हमें अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जोयला क्या कहती है, हम सुने? हमारी आत्मा स्वर्ग लोक ले जाई जाती है, हमें सांसारिक चीजों का पता नहीं होता, हमें सिर्फ स्वर्ग लोक के बारे में ही पता होता है, हम दुनिया के बारे में सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ये कहना है ना? हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। दोस्तों, आपको आत्मा में होने के बारे में कितना पता है? आपने मम्मी पापा दादी दादा से पूछा? ये पूछ लिया? उन्होंने सही कहा? ठीक है, तो आपने जो बताया, जो सोचा, वो थोड़ा थोड़ा सही है ना? पर जोयला ने जो कहा वो लगभग सही था ना? तो आत्मा में आ गया, इंग्लिश में क्या लिखा गया है? आई वॉज इन द स्पिरिट। तो वो आत्मा में थे और उनका शरीर कहाँ था? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर था, है ना? तो उनकी आत्मा किसके पास जा रही थी? प्रभु के पास। तो जब वो आत्मा में थे तो स्वर्ग लोक जाकर प्रभु कैसे हैं,
इसके बारे में उन्होंने आगे वचन में बताया है ना, कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि भी है और अंत भी है। वो दिखते कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, उनके बाल कैसे थे, ये सब उन्होंने बताया है या नहीं? तो उन्होंने देखा आत्मा ने वहाँ पर क्या क्या किया है। तो भविष्यवक्ता, आप सभी लोगों को यह अनुभव प्राप्त होना चाहिए कि आपको आत्मा में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, आत्मा में होंगे, इसके लिए आत्मा को तैयार करना होगा। इसके लिए बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, अच्छे से यशवा पिता की खुद को भूल कर आराधना करिए। जब आप लोग यशवा पिता की पूरे मन से आराधना करेंगे तो उस समय क्या होगा, संसारी चीजों को, जोएला ने क्या कहा था ना, संसारी चीजों को क्या करेंगे, उन्हें भूलते 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 अपने दोस्तों को भूल जाएंगे। आपका ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाएगा, यशवा पिता की ओर केंद्रित हो जाएगा। तो फिर यशवा पिता के साथ आप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपकी आत्मा जो है यशवा पिता की आत्मा के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद क्या होगा कि स्वर्ग लोक के कर्म प्रभु आपसे क्या करेंगे, उजागर करेंगे। तो आपकी आत्मा जो है वो क्या होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर शक्तिशाली होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हमें यशवा पिता के पास जाने के लिए पूरे मन से प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है और बाइबल पढ़ना है। हाँ, उसके बाद आराधना करनी है, आराधना करनी है यशवा पिता के नाम की। आपको क्या करनी है, स्तुति करनी है। यशवा पिता आप पवित्र हैं, यशवा पिता आप महान हैं, यशवा पिता आप शक्तिशाली हैं, दयालु हैं। तुम सब वो गीत जानते हो ना जो हमारे साधु दादा अक्सर गाया करते हैं, है हमारे प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, वो हमेशा स्वर्ग लोक में वास करते हैं, वो न्याय देने वाले राजा के समान है, जो धर्म के सूर्य की तरह चमकते हैं। आप उच्च हैं, आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। इस तरह से यशवा पिता की ओर देखकर हमें क्या करना चाहिए, खुद को भूलकर स्तुति करनी चाहिए। बोलो जोएला। ये एक सत्य घटना है। एक बार क्या हुआ कि हमारे स्कूल स्पार्टन स्कूल में वो लोग 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को नासा के ट्रिप पर ले गए। तो फिर एक बैच आने के पहले प्लेन जा चुका था और वो लोग पीछे रह गए। तो एक दीदी के पास 1000 स्तुति वाली एक पुस्तक थी और वो पुस्तक खोलकर वो पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते बैच में सभी जो थे वो आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कहने लगे। कहने के कुछ 5 मिनट के अंदर ही एक दूसरा प्लेन आया और उस बैच के सभी बच्चों को वहां से लेकर गया। ओ, तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। तो यशवा पिता की आपको क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। आराधना एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे हमें प्रभु के रहस्यों को जानने में सहायता मिलती है। दर्शन देखने और भविष्यवाणी करने से अधिक हम लोगों को यशवा पिता की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उनकी सुंदरता की, उनके महानता की, उनके नाम की हम क्या करेंगे, स्तुति करेंगे। तो यशवा पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, ये सारा कैसे मेरी स्तुति कर रही है, जोएला कैसे मेरी स्तुति कर रही है। ये सब देखकर यशवा पिता को क्या होगी, प्रसन्नता होगी, उन्हें प्रसन्नता होगी और अपनी जगह पर वो हमें क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो भविष्यवक्ता, आप लोगों को क्या करना है, यशवा पिता की खुद को भूलकर आराधना करनी है। आप लोग अकेले कमरे में प्रार्थना करते हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे, यशवा पिता की अच्छे से आराधना करेंगे। अच्छा सा स्तुति गीत चुनकर यशवा पिता के लिए आंखें बंद करके यशवा पिता की आराधना करेंगे। तो इस तरह आप आराधना करेंगे तो यशवा पिता आपसे क्या करेंगे, उजागर करेंगे। योहन्ना भविष्यवक्ता से उन्होंने उजागर किया, वो कौन है, प्रभु कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनके रहने की जगह कैसी है, सब उजागर किया था ना। आपसे भी उजागर करेंगे। तो अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता, आप लोगों को क्या करना है, खुद को भूलकर प्रभु की क्या करनी है, यशवा पिता की आराधना करनी है। ठीक है ना जोएला, सारा, तुम लोग करोगी, करेंगे दीदी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी करेंगे, यशवा पिता की खुद को भूलकर आराधना करेंगे। तो आत्मा में ले जाने वाला अनुभव यशवा पिता आपको जरूर प्रदान करेंगे। किसकी तरह, योहन्ना भविष्यवक्ता की तरह। आप भी आत्मा में प्रभु के पास जाकर क्या करेंगे, मिलेंगे, मिलकर स्वर्ग लोक के कार्यों को जानकर क्या करेंगे, ऐसे ही शांत रहेंगे, नहीं हम उसे पृथ्वी पर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही समझदार हो तुम दोनों, प्रभु आशीर्वाद दे। देखा ना,
प्रभु के रहस्य को प्राप्त करके आपको भविष्यवाणी करनी है और मुझे भी क्या करना है बताना है। ठीक है, तो तुम लोग घर पर जाकर क्या करोगी? यशवा पिता की अच्छे से आराधना करके आत्मा में होने का अनुभव तुम लोग प्राप्त करोगी। बाय सारा, बाय। क्यों दोस्तों, सुना ना, लिख लिया ना? हमारे साथ आपने बाइबल भी पढ़ी ना? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पहले अध्याय के 10वें वचन में हमने पढ़ा था ना, योहन्ना भविष्यवक्ता आत्मा में आकर यशवा पिता जो कि इतने प्रकाशित हैं, यशवा पिता के पैर कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, सब कुछ उन्होंने देखा ना। स्वर्गलोक कैसा है, उन्होंने सब कुछ देखा। तो महत्वपूर्ण क्या है, अगले स्तर पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? खुद को भूलकर यशवा पिता को हमें क्या करनी होगी? आराधना करनी होगी। यशवा पिता के नाम को बोल बोल कर हमें क्या करना है? स्तुति करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो यशवा पिता को बहुत प्रसन्नता होगी। फिर यशवा पिता स्वर्गलोक में नहीं रहेंगे, स्वयं से क्या करेंगे, तुरंत नीचे आकर आपसे मिलेंगे। वहाँ देखो, वो छोटा बच्चा खुद को भूल कर आराधना कर रहा है मेरी। तो इसे कहाँ ले जाना चाहिए? स्वर्गलोक ले जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? वो आपको स्वर्गलोक लेके जाएंगे। स्वर्गलोक जाकर आपको बहुत खुशी होगी, होगी ना? घर में रहने पर बोर होता है, स्वर्गलोक में कैसा लगता है? मजा आता है, बहुत रोमांचक होता है। स्वर्गलोक में बहुत सी सुंदर चीजें हैं जो पृथ्वी पर देखने को मिलती ही नहीं है। मुझे लगता है बहुत लोगों की इच्छा होगी स्वर्गलोक जाने की। इच्छा है कि नहीं? देखो, दादा दादी, मम्मी पापा सभी ऐसे हाँ में सिर हिला रहे हैं, सभी के पास है वो उपहार। ठीक है भविष्यवक्ता, आप लोग इस अनुभव को, आत्मा में होने के अनुभव को प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दो दोस्त आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें। तो आपको क्या करना है? घुटनों के बल बैठकर, बोलते ही बहुत से लोग घुटने के बल बैठ गए। ठीक है, हम बिना देर किए अभी प्रार्थना करते हैं। हाय दोस्तों, हम अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता है ना, तो हम अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं को बहुत सारे अनुभव है ना। उसमें महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा में होना है ना। इस तरह का अनुभव किसे प्राप्त हुआ था? बाइबल से योहाना भविष्यवक्ता को प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वचन पहला अध्याय 10वां वचन। चलो पढ़ते हैं। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और फिर मैंने अपने पीछे तुरही की तरह एक ऊंची आवाज सुनी। आप सभी ने पढ़ा ना, योहाना भविष्यवक्ता की तरह हमें भी अनुभव प्राप्त हो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ शेरे रे खारा बारा बारा ला, ओ शेरे मेरे शेरे रे खारा बारा बारा बारा, ओ शेरे रे रे खारा बारा बारा बारा, ओ ले 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 शेरे रे खारा बारा बारा बारा, ओ शेरे रे शेरे रे खारा खारा बारा बारा बारा, ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा बारा, ओ शेरे रे ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा खारा बारा बारा बारा, ओ ले ले शेरे शेरे खारा 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 बारा, ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा, ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा, ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा, ओ ले 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 शेरे शेरे खारा 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 बारा बारा बारा। हम कुछ देर शांत रहकर यशु पिता क्या कह रहे हैं सुनेंगे। वहाँ पर 10 छोटे बच्चे हैं वहाँ। यीशु पिता कह रहे हैं कि उन बच्चों के द्वारा वो उस अनुभव को उजागर करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं यीशु पिता। और यीशु पिता कह रहे हैं यही छोटे बच्चे उजागर करेंगे, और जब इन छोटे बच्चों पर अभिषेक उंडेला जाएगा तो इस कार्यक्रम को देख रहे सभी छोटे बच्चों पर वही अभिषेक उंडेला जाएगा। और यीशु पिता हम लोगों को आत्मा में होने का अनुभव प्रदान करने वाले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ शेरे रे खारा रा 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 बारा बारा, ओ ले 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 शेरे रे खारा रा बारा 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 बारा, ओ शेरे रे खारा खारा रा बारा 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 ला 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 रा बारा रा, ओ ले 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 शेरे रे खारा रा रा बारा 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 बारा। तो यीशु पिता आत्मा में होने का अभिषेक यीशु पिता हमें उंडेलिए यीशु पिता, वो अभिषेक हमें उंडेलिए यीशु पिता, वो अभी बच्चों पर उंडेलिए यीशु पिता। यीशु पिता आत्मा में होने का अनुभव यीशु पिता उंडेलिए
दीजिए यशो पिता, यशो पिता आप हमें दीजिए यशो पिता, वो अनुभव हमें दीजिए यशो पिता, वो अभिषेक हमें उंडेलिए यशो पिता अभिषेक हम पर उंडेलिए यशो पिता, उंडेलिए यशो पिता अभिषेक हम पर उंडेलिए यशो पिता, ओ ले ले खाला ला 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 बरा 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 बरा, ओ ले 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 शखरा ला ला बरा 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 बरा, ओ ले 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 शारा ला खरा 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 बरा बरा बरा, ओ ले ले शखरे ला ला खरा बरा बरा, यशो पिता उन 10 बच्चों पर यशो पिता वो अभिषेक उंडेली यशो पिता, वो आत्मा में हो जाए और वो स्वर्ग लोक जाए यशो पिता, ये कार्यक्रम देख रहे सभी बच्चों पर वो अभिषेक उंडेली यशो पिता, हाँ यशो पिता सभी उनसे पूछ रहे हैं, ओ ले 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 शरारा खरा बरा बरा, ओ ले के ले शरारा खरा बरा बरा, ओ ले 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 शखरा बरा 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 बरा, यशो पिता आत्मा में होने का अभिषेक उंडेली यशो पिता, आत्मा में होने का अभिषेक यशो पिता, वो अनुभव उन्हें प्रदान कीजिए यशो पिता वो अभिषेक यशो पिता, हाँ यशो पिता वो आज ही प्रदान कीजिए यशो पिता, अभिषेक कुंडली यशो पिता, वो जब भी प्रार्थना करे यशो पिता आप आत्मा में उनसे बात कीजिए, वो स्वर्ग लोक के बहुत से रहस्य देखे यशो पिता, हाँ यशो पिता, हाँ यशो पिता आप अभिषेक उन पर उंडेली यशो पिता, वो अनुभव उन्हें प्रदान कीजिए यशो पिता, इस कार्यक्रम को देख रहे सभी बच्चों पर यशो पिता अभिषेक उंडेल रहे हैं, हाँ उंडेल रहे हैं, ओ शेरे रे खरा रा खरा रा बरा बरा, यशो पिता आपका धन्यवाद यशो पिता इस कार्यक्रम को देख रहे सभी बच्चों पर अपना अभिषेक उंडेलने के लिए धन्यवाद यशो पिता, बहुत सारे लोगों पर उंडेलने के लिए धन्यवाद यशो पिता, भविष्य वक्ताओं पर उंडेलने के लिए धन्यवाद यशो पिता, इस अनुभव को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद यशो पिता, धन्यवाद 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 यशो पिता, मैं प्रभु यशो के नाम से ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन आमीन। क्यों दोस्तों, आपने प्रार्थना की ना, बहुत से लोगों की आत्मा को प्रभु ने तैयार किया है ना, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हैं स्तुति करते हैं तो आपकी आत्मा यशवा पिता क्या करते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, आपको लगता है कि आप छोटे बच्चे हैं, पर आप लोगों से यशवा पिता बहुत महान रहस्य और अपने आगमन के बारे में यशवा पिता आप लोगों से उजागर करने वाले हैं, इसी तरह आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करते समय आपको यशवा पिता दर्शन प्रदान करेंगे, आत्मा में होने का अनुभव प्रदान करेंगे और उसे आप लोग क्या करेंगे, जया दीदी को ईमेल करेंगे, मेरा ईमेल आईडी आपको पता है ना, क्या ईमेल आईडी है, हाँ बिल्कुल ही सही कहा आप लोगों ने, सभी को पता है ना, इस ईमेल आईडी पर आप क्या करेंगे, अपना अनुभव लिख के भेजेंगे, आपके देखे दर्शन, स्वप्न, यशवा पिता की आवाज, जो आप लिख के भेजेंगे उसे हम पढ़ेंगे, अपना फोन नंबर भी आप लिखना, दीदी आप लोगों से बात करेगी, तो आप लोग अच्छे से अपना नाम फोन नंबर सब कुछ लिख कर देना, ठीक है ना, आपके ईमेल के लिए जया दीदी इंतजार करेगी, ठीक है, आप अच्छे से प्रार्थना कीजिए, यशवा पिता आप सभी लोगों को महान भविष्यवक्ता बनाएंगे। अब मैं चलती हूँ, पर अगले हफ्ते आपसे मिलूंगी, आप भी मुझसे मिलने को तैयार है ना, ठीक है दोस्तों, बाय। Angel TV.org